हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगी कि क्या सुहागिन महिलाएं एकादशी के दिन बाल धो सकती हैं। हफ्ते के ऐसे कौन से दिन हैं जिस दिन हमें नाखून कटवाना चाहिए, बाल कटवाना चाहिए और पुरुषों को शेविंग करानी चाहिए। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच समझकर ही वर्णित किया है कि किस दिन हमें बाल कटवाना चाहिए, किस दिन नाखून कटवाना चाहिए और किस दिन शेविंग करानी चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि रविवार को बाल कटवा सकते हैं, तो रविवार को बाल कटवाने से, नाखून काटने से और शेविंग करवाने से धन की हानि होती है। धन आता तो है पर टिकता नहीं है, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। और ऐसी ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे वार हैं जिस दिन यदि बाल कटवाया जाए, नाखून कटवाया जाए और शेविंग करवाई जाए तो उससे कहीं धन की हानि होती है, तो कहीं आयु क्षीण हो जाती है, तो कहीं यश कीर्ति नहीं मिलती है। केवल हफ्ते में ऐसे दो दिन होते हैं जिस दिन नाखून को कटवा भी सकते हैं और बाल को कटवा सकते हैं और शेविंग बनवा सकते हैं। ऐसे वो दिन है शुक्रवार और बुधवार। इन दोनों दिन आप बाल भी कटवा सकते हैं और नाखून भी। अब ये जान लेते हैं कि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धुलना चाहिए या नहीं, शैम्पू या साबुन यूज़ करना चाहिए कि नहीं। एकादशी के दिन बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए, इससे सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह सभी वर्जित काम करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं और हमारे घर में धन की हानि करते हैं। वहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या व्रत के दिन बाल धोना चाहिए। आमतौर पर किसी भी पूजा या व्रत के दौरान महिलाओं के लिए बाल धोना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर आप सोमवार के व्रत कर रही हैं तो इस दिन बाल ना धोएं, बल्कि व्रत से एक दिन पहले आप बाल धो सकती हैं। एक सवाल और भी होता है कि क्या मंगलवार के दिन बाल धो सकते हैं। तो मंगलवार के दिन बाल धोने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग छीण हो जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि बाल धोने से संबंधित समस्याएं, ये ज़्यादा समस्याएं महिलाओं में होती हैं, क्योंकि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं और पुरुषों के छोटे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत ही सरल शब्दों में समझा कर गए हैं कि हमें किस दिन बाल धोना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि इन चीज़ों को यदि पालन कर लिया जाए तो इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, बौद्धिक क्षमता यानी दिमाग भी तेज होता है और मन को शांति भी मिलती है और जीवन जीने में भी कोई रुकावट नहीं आती है।